दादी आपके लड़के बच्चे होंगे ना? दूठे। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक तो फिलहाल मैं भी हूँ, लेकिन आज मैं निकल रहा हूँ मैहर के लिए, मैहर माँ शारदा के दर्शन के लिए। तो माता रानी के दर्शन वहीं करेंगे और आपको भी कराएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे साथ आपको इस ब्लॉग पर बने रहना होगा। और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ शाम को, और आपको शाम की आरती भी दिखाने वाला हूँ माता रानी की। तो हमारे साथ इस ब्लॉग पर बने रहिए, हम आपको साथ ले चलते हैं सीधे मैहर। तो पहुँच चुके हैं मैहर, अब हम आपको दिखाएंगे प्रसाद पैकिंग हमारी, और उसके बाद हम आपको डायरेक्ट माता रानी के दर्शन दिखाए कराएंगे। कितने रुपए का प्रसाद है भैया? टोटल 150 का। फिर वो रहने दीजिए, फिर 150 का आप क्या क्या लगा दिए हैं इसमें? अरे मेरे को सब चल रहा है, चलाइए दे भैया, जो जो होगा सब रख देना उसमें। हाँ, जो भी होगा सब कर दो, और बाकी हम लोग को जो है तो वो 100-100 वाला बना देना, ठीक है? और इसी के साथ हम आरती में लगता है चूक गए, दूर भी चढ़ना है और आरती का समय हो गया। बंद हो गया गेट क्या? खुला। ये वाला ना बंद हुई, फिर मेन गिर वहाँ ऊपर बंद हुई की जाए। काफी रफ्तार से दौड़ के इनको पीछे कर दिया है। और ये सीढ़ियों की संख्या है यहाँ लिखी हुई है, और धीरे धीरे हम माता रानी के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अभी उतनी ऊपर चढ़ना, टोटल 330 सीढ़ियाँ हो गई हैं। देखते हैं कब तक हमें पहुँचते हैं, 1000 कंप्लीट कर रहे हैं। 400, इसके बाद आधी सीढ़ियाँ और बची हैं, बस कुछ ही दूर है माता रानी से। अगर उनकी आशीर्वाद रहा तो हम आपको उनके दर्शन करा पाएंगे, और अगर आज माँ का मन नहीं हुआ मुझे दर्शन देने का तो फिर नहीं देगी, लेकिन बुलाया है तो शायद देगी। जय शारदा। इधर आपको मैं मैहर का एक अलग व्यू दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं ये ऊंचाइयों में मैं हूँ, सीढ़ियों से चढ़ रहा हूँ, और साइड में ये व्यू है माँ का, जैसा देख सकते हैं। बोलो शारदा मैया की जय हो। 1032, जैसा कि आप देख सकते हैं माँ शारदा के भवन में आ चुके हैं हम। जय माता जी। हाँ
जैसा कि देख सकते हैं माता रानी के दरबार पर पहुंच चुके हैं। सामने भीड़ है, पीछे लाइन में खड़ा हुआ हूं और माँ ने अगर जो चाहा तो ज़रूर से ज़रूर दर्शन देगी। तो इसी उम्मीद से आए हैं कि आज दर्शन होंगे माँ के, बाकी देखते हैं। आपको अंदर ले चलेंगे अभी। जय 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 हो जय हो। माता रानी के दिव्य दरबार में इतनी भीड़, ये श्रद्धा होती है, यही श्रद्धालुओं की भक्ति है जो उनको यहाँ खींच के लाती है। अंदर फोटो खींचना तो मना है, लेकिन देखते हैं आप। आरती तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम आपको दर्शन दे देंगे। आप देख सकते हैं माँ के दरबार के अंदर जगह नहीं है जाने के लिए, फिर भी दर्शन करने की कोशिश करेंगे। आपसे डायरेक्ट दर्शन टाइम में मिलते हैं, ओके। माँ के गेट के जस्ट सामने आएगा जो हो सकेगा। दर्शन करने वाले हैं माँ के, रुकी चल रही फिर भी। आगे बढ़ो आगे। दर्शन करने के बाद अब पूर्वाय जो पीछे, जैसा कि आप देख सकते हैं वो बंद है, केवल जो ऊपर है उनके लिए खुला है। किस प्रकार भक्तगण अपनी श्रद्धा भक्ति और उसके बाद फोटो शूट में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कृपया दान पेटी में ही डालें, वो तो मुझे पता है। बाकी आप देख सकते हैं छोटी छोटी मंदिरें बनाई गई हैं साइड से साइड, जिनको कथा सुननी हुई होती है, जिनको मूड़न कंछेदन किया जाता है जिनका, तो वो सारे कार्य यहीं किए जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको और आगे की व्यूज़ दिखाऊंगा धीरे धीरे। फिलहाल हो चुका है, इसलिए सीढ़ी के मार्ग से ही हमको अंदर जाना पड़ेगा, तो सॉरी अंदर नहीं बाहर। तो अभी आपको ले चलते हैं सीधे नीचे यहाँ से। यहाँ क्या लिखा है ये भी दिखाता हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जहाँ ऊपर से चढ़े नीचे तक लगातार हर जगह पर पूरे मंदिर में देख सकते हैं आप किस प्रकार से माँ के उसमें दरबार में किस प्रकार से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और अपने मन इच्छा को बांध कर यहाँ चले जाते हैं कि माँ उनकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी इस विश्वास के साथ। दादी यहाँ कितने साल से आप हैं? हैं हैं के पहले बच्चे लेके चक्कर यहाँ। अच्छा, तो ये आप लोगों की पेट में लात मारने का काम कर दिया झूले ने, ये बात तो सही है। तो एक दुकान नहीं खोल लेती हैं दादी छोटी सी? ये बात सही दादी, रुपया बात तो सही है दादी। आपके लड़के बच्चे होंगे ना? दो थे, एक लड़का के ही छोड़ वाले के फिर पांच दिन ऊपर से निकल के चले गए हैं यहाँ मैहर में ही। मैहर में हैं उनका
ज्यादा तक दवाई चलती बेतना के माहौल है हर माता कभी अगर बहुत नहीं जाए। तो अभी भी वो मतलब बचे हुए हैं अच्छा। दूसरे वाले बेटे है ये बात तो है। और आपके पति हैं कि नहीं है? हैं। तो आप अपना पेट बस पाल रही हैं मतलब? अच्छा क्यों? है शादी होने के बाद तो कुछ दिखाएं उखाएं नहीं कहीं मतलब ऐसे नहीं तो डॉक्टर के अलावा किसी ऐसे नहीं दिखाएं चौरा उरा में बिगाड़ है अच्छा तो मतलब घर से बिगाड़ है फिर इसका मतलब तो फिर वो कहीं ना ठीक होंगी दादी जब तक वो घर से ना सुधर जाए। ये बात तो है दादी जीवन में तो बड़ा कष्ट और संघर्ष है। वैसे अगर जैसे ऊपर आए थे तो ऊपर से यहाँ से भी जा सकते थे ना अगर जाना चाहे तो इधर ये खड़ी सीढ़ी ने चढ़ के इधर से चले जाएं। मैं खुद अभी इसी से गया हूँ है ना गाड़ी छोड़ती है यहाँ है ना नीचे तक छोड़ती है अभी होगी गाड़ी बता दीजिएगा कि हैं पीछे आ रहे हैं ठीक है ठीक ठीक है दादी। तो जिस प्रकार से मैंने दादी से बात की और उनको देख के ये लगा कि जीवन के जो संघर्ष हैं बहुत ही छोटे हैं हम जिस दुख को इतना बड़ा बनाते हैं कि ये दुख है वो दुख है तो जिस प्रकार से उनकी बातें सुनी तो ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें छोटी लगने लगी मुझे। तो अपने जीवन से निराश ना हो अपनी हर छोटी से छोटी बातों को बुरा या भला लेकर किसी भी रिश्ते को तोड़े ना और अपने रिश्तों के साथ अच्छे से रहें एक दूसरे को समझें और मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि अपने माता पिता का ध्यान रखें अपनी पत्नी का ध्यान रखें और सारी चीज़ों को इस प्रकार जैसे कि दादी ने बताया कि किस प्रकार से उनको इस कष्ट में केवल अपना पेट पालन करने के लिए यहाँ वो इतनी 1100 सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे से डेली ऊपर आती हैं ऊपर कुछ जो भी दे दिया किसी ने खा लेती हैं उसके बाद फिर से उतर के अपने एक छोटे से झोपड़े की ओर चल देती हैं। तो यही सारी बातें हैं जो कभी कभी मिल जाती हैं तो आप लोगों से भी शेयर कर देता हूँ। माता की ऐसी अनुकंपा है कि यहाँ कोई भूखा पेट नहीं रहता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ भंडारा चलता ही रहता है और कोई ना कोई दयालु भक्त आ ही जाता है इन सब की मदद करने के लिए। सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे जब तक मैं करता हूँ आराम वो भी इधर बैठ के जैसा कि देख सकते हैं वो उतर चुके हैं नीचे और ये बगल में लाइटिंग है भारत की झंडे की जैसे और उतर चुके हैं अब सीढ़ियों से दर्शन हो गया अब जा दर्शन के बाद अब सीधे अब यहाँ से गेट मतलब पट बंद हो चुका है माता रानी का अब ये डायरेक्ट हम लोग चलेंगे भूख बहुत तेज लगी कुछ ना कुछ खाना खाएंगे उसके बाद सीधे घर। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई ब्लॉग सो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह के ब्लॉग आपको देखने हैं तो हमारे साथ इस ब्लॉग पर बने रहिए।